इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करते हैं। सौरभ गांगुली का बीसीसीआई पद से इस्तीफा, ट्वीट कर कहा कि लोगों की भलाई के लिए शुरू करूंगा नई इनिंग। सौरभ गांगुली ने बतौर बीसीसीआई अध्यक्ष बेहतरीन काम किया, लेकिन अब सवाल यह है कि वो नई पारी की शुरुआत कहां करने वाले हैं। क्या वो आईसीसी की तरफ जा रहे हैं या फिर राज्यसभा की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि आपको याद होगा पश्चिम बंगाल के दौरे के दौरान अमित शाह उनसे मिले थे, जेपी नड्डा भी मिले थे। तो क्या वो सियासी तौर पर अब अपनी नई पारी की शुरुआत करने वाले हैं? अगर हां तो फिर किस तरफ से? क्या टीएमसी यानी कि ममता दीदी के साथ वो शुरुआत करने वाले हैं क्योंकि वो दादा हैं, या फिर वो बीजेपी के साथ शुरुआत करने वाले हैं? इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सौरभ गांगुली का बीसीसीआई पद से इस्तीफा, ट्वीट कर कहा कि लोगों की भलाई के लिए शुरू करूंगा नई इनिंग। लेकिन अगर लोगों की भलाई का मतलब यानी वो सियासत में आ सकते हैं, इशारा, संभावनाएं, क्या वाकई में एक्टिव पॉलिटिक्स का हिस्सा वो बनेंगे, क्या वो राज्यसभा जाएंगे या फिर बाई इलेक्शन के जरिए लोकसभा जाएंगे? इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करते हैं। सौरभ गांगुली का बीसीसीआई पद से इस्तीफा हुआ है और ट्वीट कर उन्होंने जानकारी दी है, लोगों की भलाई के लिए नई इनिंग शुरू करूंगा, ये उन्होंने कहा है। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ऐसी योजना जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को राहत मिले, मुझे उम्मीद है कि लोगों का समर्थन मिलता रहेगा, क्रिकेट ने मुझे बहुत कुछ दिया है, ये भी उन्होंने कहा है। और सौरभ गांगुली जिन्हें हम क्रिकेट में दादा के तौर पर कहते हैं और क्रिकेट में एक नए रिवॉल्यूशन के लिए अगर किसी को क्रेडिट दिया जा सकता है तो वो सौरभ गांगुली है, जिन्होंने एग्रेसिव क्रिकेट को न सिर्फ 22 गज की पिच पर दिखाया, बल्कि उन्होंने ये भी बताया कि इंडिया की टीम कोई साइकिल स्टैंड की तरह नहीं कि एक विकेट गिरेगा तो पूरी टीम आउट हो जाएगी। उन्होंने पारी को संभालना सिखाया, उन्होंने लड़ना सिखाया, उन्होंने जीतना सिखाया। और इस वक्त की बड़ी खबर ये कि वो बीसीसीआई अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे रहे हैं और ट्वीट कर बता रहे हैं कि लोगों की भलाई के लिए नई इनिंग शुरू करूंगा। ऐसी योजना जिससे लोगों को ज्यादा से ज्यादा लाभ मिले, दरअसल ये सब वो चीजें हैं जो एक सियासत में उनकी एंट्री की तरफ इशारा करती हैं। लेकिन ये एंट्री अगर होगी तो दरवाजा कौन सी पार्टी का होगा? क्या टीएमसी का दरवाजा होगा या फिर बीजेपी का दरवाजा होगा? अगर बीजेपी का दरवाजा होगा तो क्या इसकी पटकथा? बीते महीने जब अमित शाह पहुंचे थे, जेपी नड्डा पश्चिम बंगाल पहुंचे थे, उनकी मुलाकात हुई थी, क्या उस दौरान ही लिख दी गई थी? इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, या फिर वो नए सिरे से कुछ सोच रहे हैं? सौरभ गांगुली का बीसीसीआई पद से इस्तीफा और ट्वीट कर उन्होंने ये जानकारी साझा की है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और बड़ी खबर दरअसल यही कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। कोलकाता दौरे के दौरान दोनों के साथ डिनर किया था, यानी कि अमित शाह जब गए थे उनसे उन्होंने मुलाकात की थी, दोनों ने डिनर साथ किया था। सौरभ गांगुली लिख रहे हैं कि लोगों की भलाई के लिए नई इनिंग शुरू करूंगा, मुझे उम्मीद है कि लोगों का समर्थन मुझे मिलता रहेगा। अब गांगुली की नई पारी को लेकर चर्चाएं शुरू हो गई, आखिर कौन सी नई पारी शुरू करेंगे सौरभ गांगुली? हाल ही में अमित शाह ने गांगुली के घर उनसे मुलाकात की थी, कोलकाता दौरे पर दोनों ने साथ में डिनर किया था। हमारे साथ सीनियर एडिटर सुधांशु माथुर जी जुड़ गए हैं। सुधांशु माथुर जी, अमित शाह पहुंचे थे, दोनों ने डिनर किया था, उस दौरान भी ये चर्चाएं चल गई थी कि क्या वो राज्यसभा जाएंगे या फिर उनकी पत्नी को राज्यसभा भेजा जाएगा। अब क्योंकि वो बीसीसीआई पद से इस्तीफा दे रहे हैं अध्यक्ष के पद से, क्या माने नई पारी सियासी होगी? देखिए विजन, आमतौर पर जो सौरभ गांगुली का जो नेचर है वो भावुकता से परिपूर्ण है, यानी कि इमोशनल आदमी है। चूंकि आप देखिए कि जब वो खेलते थे तब भी बहुत जल्दी इमोशनल हो जाते थे, जब वो बीसीसीआई के अंदर उनको जिम्मेदारी दी जा रही थी तब भी वो भावुक हो गए थे, जब उनको ममता बनर्जी ने ऑफर दिया कि वो टीएमसी के साथ जुड़े तब भी वो भावुक हो गए थे। लेकिन भावुकता में
उन्होंने कभी भी कोई ऐसा फैसला नहीं लिया जो फैसला आज लिया है। आज जिस तरह से उन्होंने एक इमोशनल ट्वीट लिखा और ट्वीट लिख के उन्होंने बीसीसीआई से जिस तरह से क्विट किया है, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कोई ऐसी बात जरूर है कि जो सौरव गांगुली को दिल तक जो है वो चुभी है। और उन्होंने एक इतनी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी, देखिए जिस देश के अंदर क्रिकेट धर्म हो और उसकी सबसे बड़ी संस्था का अगर कोई अध्यक्ष हो और वो एकाएक भावुकता में कहे या सोच समझ के कहे और वो उस वहाँ से क्विट कर जाए, तो मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा फैसला है। ना सिर्फ भारत की क्रिकेट के लिए बड़ा फैसला है बल्कि उनके जो करोड़ों फैंस हैं उनके लिए भी एक ये शायद शॉकिंग जो है वो न्यूज़ होगी और एक बड़ा अवसाद की स्थिति जो मुझे लग रही है। हाँ, चूँकि देखिए दो चीज़ें हैं, सौरव गांगुली बाई नेचर जो है वो इमोशनल है, लेकिन क्रिकेट ग्राउंड के अंदर बड़े एग्रेसिव रहते थे। उनका एग्रेशन जो है वो हमेशा हमने ग्राउंड के